इस वीडियो में हम देखेंगे एंटी थेफ्ट को कैसे एक्टिवेट करें। इस फीचर से आप अपने मोबाइल को ट्रैक कर पाएंगे अगर वो चोरी या खो जाता है। सबसे पहले माइटी गार्ड होम स्क्रीन पर जाकर एंटी थेफ्ट पर क्लिक करें। फिर एंटी थेफ्ट को एक्टिवेट करें। नीचे आपको चार फीचर्स दिखेंगे जो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। आप एंटी थेफ्ट वेबसाइट को कोई भी ब्राउजर पे खोले और अपनी यूजर नेम और पासवर्ड से लॉग इन करे। लॉग्ड इन होने के बाद अपनी फोन का स्टेटस सेफ से लॉस्ट अपडेट करे और फिर लोकेट डिवाइस बटन पर क्लिक करे। अब आप अपने फोन पे चार चीज कर पाएंगे। पहले रिमोट लॉक पे क्लिक करने से आपका फोन की स्क्रीन लॉक हो जाएगी। दूसरा रिमोट सायरन पे क्लिक करने से एक लाउड सायरन आपके फोन पे रिंग होना स्टार्ट करेगा। तीसरा लोकेशन बटन पे क्लिक करके आप डिवाइस की लोकेशन देख पाएंगे। और चौथा टेक स्नैपशॉट बटन पे क्लिक करने के बाद फोन अपने आप फोटो लेगा और स्नैपशॉट बटन पे क्लिक करने से आपको फोटो दिख जाएगी। जब फोन मिल जाए फिर स्टेटस को लॉस्ट से सेफ मोड में अपडेट करें और वेबसाइट से लॉग आउट करे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐप लॉक कैसे एक्टिवेट करे। इस फीचर से आप कोई भी ऐप को माइटी गार्ड पिन से लॉक कर सकते हैं। ऐप लॉक लगाने के बाद सिर्फ आप ही वो ऐप्स खोल पाएंगे। सबसे पहले माइटी गार्ड होम स्क्रीन पर जाकर ऐप लॉक पर क्लिक करें। ऐप लॉक को एक्टिवेट करें और नीचे दिए हुए प्लस बटन पर क्लिक करें। अब आप सारी रेकमेंडेड एप्स जैसे कि गैलरी, व्हाट्सएप, फेसबुक पे ऐप लॉक यूज कर सकते हैं और आप ऑल बटन पे क्लिक करके एप्स को चुन सकते हैं जो आपको लॉक करनी है। उदाहरण के लिए हमने गूगल क्रोम पे ऐप लॉक ऑन किया हुआ है। अब आप गूगल क्रोम ऐप खोले। जैसे आप देख सकते हैं कि माइटी गार्ड ने इस ऐप को लॉक कर दिया है और जब तक आप पिन नहीं डालेंगे यह ऐप लॉक्ड रहेगी। पिन डालने के बाद आपकी ऐप खुल जाएगी। ऐप से लॉक हटाने के लिए इस ऐप के आगे के बटन पे क्लिक करें। ऐप लॉक को डीएक्टिवेट करने के लिए ऐप लॉक बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो में हम देखेंगे कॉल ब्लॉकर को कैसे एक्टिवेट करें। कॉल ब्लॉकर फीचर से आप फ्रॉड कॉल्स और स्पैम कॉल्स को ब्लॉक कर पाएंगे। माइटी गार्ड होम स्क्रीन पर जाकर कॉल ब्लॉकर पर क्लिक करें। आप कॉल ब्लॉकर को एक्टिवेट करें प्लस बटन को प्रेस करें जो आपके ठीक नीचे स्क्रीन पर है। आप ऐड नंबर पर क्लिक करें फिर नंबर को ऐड और सेव करें। अब नंबर ब्लॉक लिस्ट में ऐड हो गया है और अब आपके फोन पे इस नंबर से आने वाली सारी कॉल्स अपनी आप ब्लॉक हो जाएगी। ब्लॉक लिस्ट से नंबर को हटाने के लिए नंबर के सामने क्रॉस बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा ब्रीच फीचर कैसे यूज करें। डेटा ब्रीच फीचर से आप देख पाएंगे कि आज तक वो कौन सी वेबसाइट्स है जिनसे आपकी डिटेल्स हैक हुई है और हैकर्स को आपकी डिटेल्स मिली है। सबसे पहले माइटी गार्ड होम स्क्रीन पर जाकर डेटा ब्रीच पर क्लिक करें। डेटा ब्रीच में अपनी ईमेल एड्रेस डालें और नीचे बटन पे क्लिक करें। आप डेटा ब्रीच फीचर एक रिपोर्ट दिखाएगा। अगर किसी भी हैक्ड वेबसाइट से आपका डेटा ब्रीच यानी आपकी डिटेल्स हैकर्स को मिली होगी तो वो डिटेल्स आप इस रिपोर्ट में देख पाएंगे। माइटी गार्ड सजेशन देगा कि इस रिपोर्ट में आए वेबसाइट्स पे आप अपना अकाउंट चेक करें और पासवर्ड चेंज कर ले। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंट्रूडर अलर्ट कैसे एक्टिवेट करें।
अगर कोई आपके फोन को अनलॉक करने की कोशिश करता है तो यह फीचर 3 बार गलत पासवर्ड डालने के बाद फ्रंट कैमरा से उसकी फोटो क्लिक कर लेगा। सबसे पहले माइटी गार्ड होम स्क्रीन पर जाकर इंट्रूडर अलर्ट पर क्लिक करें। आप इंट्रूडर अलर्ट को एक्टिवेट करने के लिए बटन पे क्लिक करें। फिर अपनी मोबाइल के स्क्रीन को लॉक करें और 3 बार रॉन्ग पासवर्ड्स एंटर करें। तीसरी बार रॉन्ग पासवर्ड एंटर करते ही इंट्रूडर की अपने आप फोटो क्लिक हो जाएगी। माइटी गार्ड तीनों डिटेल्स जैसे कि फोटो, लोकेशन और टाइम सेव कर लेगा। आपको यह सारी डिटेल्स व्यू इंट्रूडर लिस्ट में मिल जाएगी। इंट्रूडर अलर्ट को डीएक्टिवेट करने के लिए बटन पे क्लिक करें। In this video, we will see how to use parental control in Mighty Guard app. This feature will help you to keep your children's internet experience safe and block access to inappropriate websites on your phone. Click on parental control on Mighty Guard home screen. Click on the button to enable it. Now if you go to any harmful websites such as related to gambling, adult, crime, parental control will automatically block the website. You can also add any custom website of your choice to your blocked list. Enter the URL of the website, for example, tiktok.com and click on the add button. Now go back to the browser and try to access tiktok.com. You will find it blocked now. Please note, once a website is blocked using parental control, it is advised to close the tab and use a new tab to browse internet again. To disable parental control, go back to Mighty Guard app and press on the button to disable it. इस वीडियो में हम देखेंगे प्राइवेसी एडवाइजरी को कैसे एक्टिवेट करें। इस फीचर से आप देख पाएंगे कि आपके फोन पे इंस्टॉल्ड एप्स ने कौन सी परमिशंस ली हुई है। माइटी गार्ड होम स्क्रीन पर जाकर प्राइवेसी एडवाइजरी पर क्लिक करें। आप प्राइवेसी एडवाइजरी बटन को क्लिक करें। स्क्रॉल करके आप देख पाएंगे कि कितनी एप्स के पास आपके कैमरा, लोकेशन, माइक्रोफोन जैसी परमिशंस है। आप परमिशन पे क्लिक करके सारी एप्स का नाम देख पाएंगे। In this video, we will see how to activate secure VPN and enable private browsing and stay secure on public Wi-Fi. 1. Click on the secure VPN on Mighty Guard home screen. 2. Choose a server from the list and click on connect. With Mighty Guard international locations, you can unlock any website and also stay secure on the internet. Log into the Mighty Guard app, using your registered mobile number and password and then click on the login button. Welcome to the Mighty Guard page will displayed, click on the big button. Mighty Guard app will require to create a 4-digit PIN, this PIN will be used to increase your security and enable or disable features on Mighty Guard. Create the 4-digit PIN in the Mighty Guard and then click on the next button. Once 4-digit PIN is created, verify the PIN once again and click on next button. Anti-theft, this feature help you to find your device in case of stolen, lost, or misplaced. Steps to activate the anti-theft in your mobile device. Click on the activate button. Anti-theft will require certain permissions of your device, kindly allow them for the smooth functioning of Mighty Guard. Activate the device administration permission of your mobile device. Once the above permission is granted, enable the anti-theft in your Mighty Guard app and now click on next button. Intruder alert, this feature help you to detect the intruders who try to break into your device. Steps to activate the intruder alert in your mobile device. Click on the activate button. Intruder alert will require some overlay permissions of your device. Go ahead and grant all the permission. Then enable the intruder alert in your Mighty Guard app and now click on next button. App lock, this feature will help you to lock your apps with a PIN. It will stop others to get into your sensitive information. Steps to activate the app lock in your mobile device.
Click on the Activate button. App lock will require to enable accessibility permission of your device. Go ahead and grant the permission. Then enable the app lock in your MightyGuard app and now click on Next button. Call Blocker. This feature will help you to block unwanted callers, robocalls, and fraud calls. Steps to active call blocker in your MightyGuard. Click on the Enable button and activate it. Now, click on the Next button. Privacy Advisory. This feature will help you to scan which apps are accessing your private information. Steps to active privacy advisory in your MightyGuard. Click on the Enable button and activate it. Now, click on the Next button. Parental Control. This feature will help you to block access to inappropriate content for your children, such as adult, gambling, and crime. Steps to active parental control in your MightyGuard. Click on the Enable button and activate it. Now, click on the Next button. Secure VPN. This feature will help you to enable private browsing and stay secure on public Wi-Fi. Steps to active the secure VPN in your MightyGuard. Click on the Enable button and activate it. Now, click on the Next button. Data Breach. This feature help you to find out if your details have been hacked in the past. This feature is already enabled in your MightyGuard. Once you enable all the features, congratulations message will be shown.